डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टोर असिस्टेंट के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेरी कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो मेडिकल टेस्ट टीवी वगैरह से रिलेटेड मैंने बना दिए, जो कि लेटर जॉब वाली प्लेलिस्ट में आपके सारे डीआरडीओ से रिलेटेड मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि भैया सेफ स्कोर के लिए आप पढ़ो, क्योंकि सेफ स्कोर आप देख तो लेते हो लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स आपको हर कैटेगरी में चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जितने भी मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ, क्योंकि स्टोर असिस्टेंट में आपकी जो वैकेंसी एक में ज़्यादा है एक में कम है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए स्टोर असिस्टेंट के लिए पढ़ना, क्योंकि बहुत से ऐसे फॉर्म्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर असिस्टेंट के लिए आपके पड़े होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई आपको मिनिमम कितना स्कोर चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 60+ तो आपको स्कोर करना ही करना है, क्योंकि इसके बाद जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वही आपका होगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं आज के सिनेरियो में जो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट भी कर रहे हैं, तो भैया 60+ तो आप मान के चलो जनरल के लिए, क्योंकि लगातार कई सारे ऐसे जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर एग्जाम नहीं निकालते, लेकिन फिर भी ये स्टोर असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम है उसके लिए भरा होगा। तो आप ये मान के चलो कि 60+ तो स्कोर करना ही करना है, अगर आप अपने आप को सेफ स्कोर की कैटेगरी में रखना चाहती हो, क्योंकि पहले आपका इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, फिर फाइनल कट ऑफ जो है वो भी आपकी यानी कि डिक्लेयर होगी, तो ऐसा ना हो कि फाइनल में आप बाहर हो जाओ। दूसरा आपका अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 56 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं अगर आप चाहते हो कि मेरा फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपको मिनिमम 57 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। अगर हम बात करें आपका एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए आपके मिनिमम 52 के ऊपर आपके जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको 55 के ऊपर आपके मार्क्स जो हैं वो आप सभी के होने चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑलरेडी मैंने सारे वीडियोज आपको बता दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने स्कोर बताया हुआ है ये आपका टीयर वन का नहीं है, जो सीबीटी का रिजल्ट है, ये आपका फाइनल स्कोर है। और इसमें अगर आपने इतना स्कोर कर लिया इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई रोक नहीं रखता। अब अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो यार उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप का जो स्कोर है वो आपका इसके बॉर्डर लाइन पे भी है, तो अदर एग्जाम्स की भी आप साथ साथ प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि एट लास्ट आके आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए कि ना इधर के रहना उधर के, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट की ऐसी तरीके यहाँ पे भी आपको मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले टाइप करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो, जो भी आपके मन में क्वेरी है।